गाइस, कैसे हैं आप सब लोग यार। वेलकम करते हैं हम आपको मॉइस्चर गेमिंग में। गाइस, ये चक्कर है कि आज जो है ना, मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क लैग और पीसी का लैग आप कैसे कम कर सकते हैं पबजी मोबाइल में। सबसे पहले स्टार्ट होते हैं यार आप पबजी मोबाइल के जो है ना नेटवर्क लैग से। तो गाइस, सबसे पहले आप जाएंगे सर्च में। सर्च में जाकर आपने इधर करना है सर्विसेज, ठीक है। ये सर्विसेज आएगी, सर्विसेज पे आपने जैसे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ आप नीचे जाएंगे, नीचे जाके विंडो अपडेट है, तो ये सबसे पहले जो है ना ये ऐसे आ रहा होगा आपको। मैं चेक करवाता हूँ, ठीक है गाइस। ये आपको ऐसे शो हो रहा होगा, ठीक है, विंडो अपडेट, और ये रनिंग में होगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको चेक करेंगे, ये रनिंग में होगा। आपने क्या करना है, असल में बैकग्राउंड में जो है ना अपडेट चल रही होती है विंडो अपडेट की, खाम खा कोई ना कोई अपडेट चल रही होती है, तो वो जो है ना आपके नेटवर्क लैग पे बहुत जो है ना असर डालती है। अगर आपके पास 3G या 4G है तो फिर तो जो है ना नेटवर्क लैग वैसे ही होगा, क्योंकि वो सिग्नल के थ्रू आता है, नेट होता है, तो फिर उसमें जो है ना लैग बहुत होता है। लेकिन कुछ लोगों का ये होता है कि यार हम जो है ना ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे, फिर भी हमारा जो है ना पिंग काफी आई होती है या नेटवर्क लैग जो है ना काफी होता है। तो उसके लिए जैसे ही आप सर्विसेज पे आएंगे, विंडो अपडेट पे आएंगे, ठीक है, तो इसको आपने बंद कैसे करना है, इस तरह चल रहा होगा ये रनिंग, आपको नजर आ जाएगा विंडो अपडेट। जैसे ही आप ये नीचे करेंगे ना, आपको नजर आ जाएगा। आपने सबसे पहले तो यहाँ पर स्टॉप पे क्लिक करना है। स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ना स्टॉप हो चुका है। लेकिन सिर्फ स्टॉप करके बंद करेंगे तो फिर ये क्या चक्कर होगा कि ये होगा कि यहाँ पर जो है ना ये स्टॉप तो हो जाएगा, लेकिन ये कुछ देर के लिए स्टॉप होगा, कुछ देर बाद जो है ना ये ऑटो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपने इसको परमानेंट बंद करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाकर ना डिसेबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डिसेबल पे क्लिक करने के बाद अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखें जो है डिसेबल हो चुका है, यहाँ से भी देखें, ठीक है। सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है, सेकंड चीज़ आप करेंगे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। तो टास्क मैनेजर पे जाएंगे, टास्क मैनेजर पे जाने के बाद जो है ना आप स्टार्टअप पे जाएंगे, स्टार्टअप पे जो चीज़ें आपकी फजूल है, जो आपको नहीं चाहिए, उस पर आप क्लिक करके ना इस तरह उसको डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखेंगे डिसेबल आ रहा है, तो आप जो है ना इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद आ जाता है यार पीसी का लैग। पीसी का लैग के लिए जो है ना मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, अगर आपके पास i5 जो है ना फर्स्ट जनरेशन से जो है ना 6th जनरेशन तक है, और i7 फर्स्ट जनरेशन से 6th जनरेशन तक, अगर आपका कोई भी प्रोसेसर जो है ना इसके दरमियान है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो फिर आपने पता है क्या सेटिंग करनी है, आपको मैं बताता हूँ आपने क्या सेटिंग करनी है। आप सबसे पहले जाएंगे गेम लूप पे। गेम लूप को ओपन करने के बाद सबसे पहले जो है ना ये आपने चेक करना है कि आपका गेम लूप अपडेट है या नहीं है, क्योंकि कभी कभार गेम लूप आपका अपडेट नहीं होता, तो उस वजह से भी जो है ना पिंग या लैग का बहुत इशू होता है। तो उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप इंजन पे जाएंगे। इंजन पे आपने सेलेक्ट करना है डायरेक्ट एक्स, स्मार्ट मोड सेलेक्ट होता है डायरेक्ट एक्स करना है। उसके बाद ये चारों चीज़ें आपने अनेबल कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एंटी अलाइजिंग जो है ना, एंटी अलाइजिंग वो आपने क्लोज कर देनी है। मेरे अभी पीसी काफ़ी अच्छा है इसलिए मैंने अल्टीमेट पे रखे, आपने जो है ना क्लोज कर देनी है। मेमोरी आपने करना है ऑटो पे, प्रोसेसर आपने करना है ऑटो पे, रेजोल्यूशन आपने करनी है जी 720 पे करनी है, और DPI जो है ना वो आपने सेट करना है 160 पे, ठीक है। ये करके ना आपने कर देना सेव। उसके बाद दोबारा जाना है, उसके बाद दोबारा एक और सेटिंग है, आपने जाना है गेम पे। गेम पे अभी मेरा मैं बता दूं पीसी अच्छा है तो अल्ट्रा पे और HD पे किया, आपने क्या करना है 720 पे, और इसको रखना है स्मूथ पर। ये ऑटो पे होता है लेकिन 720 पे करके स्मूथ पे करके सेव करेंगे तो ये जो है ना बेस्ट सेटिंग है आपके लिए पबजी के लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद हम क्लोज करेंगे, दोबारा जो है ना पबजी हम जो है ना स्टार्ट कर देंगे। एक सेकंड, यहाँ से भी क्लोज कर दिया, अब ये हमने स्टार्ट कर दिया जी पबजी, ठीक है, पबजी हमने स्टार्ट किया, ठीक है, ये हमने प्ले कर दिया। तो गाइस अभी मैं जो है ना आगे और सेटिंग आपको बताने लगा हूँ कि आपने क्या क्या सेटिंग और करना है। इस तरह आपके सामने पबजी ओपन हो जाएगी। इसके बाद जो है ना आपने जो करना है, जैसे ये गेम ओपन होती है तो मैं आपको जो है ना गाइडलाइन थोड़ी सी और देता हूँ। Thank you.
यहाँ पर लॉबी पे आने के बाद आपने पता है क्या करना है, आपने जो है ना सेटिंग पे जाना है। सबसे पहले जाना है सेटिंग पे, सेटिंग पे जाने के बाद आपने जाना है ग्राफिक्स पे। ग्राफिक्स पे आपके अगर बैलेंस या HD या HDR या कुछ भी सिलेक्ट होगा उधर से आपने कर देना स्मूथ पर। स्मूथ में सेकंड फर्स्ट नंबर पे आपने स्मूथ रखना है, सेकंड पर ना अगर आपका मैक्सिमम फर्स्ट करें आता है हाई, ठीक है ना। अभी तो मेरा एक्सट्रीम तक आ रहा है ना, लेकिन अगर आपका जो है ना आता है लो तो लो पे रखना है, अगर आपका लो मीडियम आ रहा है तो आपने मीडियम पर रखना है, अगर लो मीडियम हाई आता है तो हाई पे, लो मीडियम हाई और अल्ट्रा आता है तो सब ले लास्ट पर जो होगा ना स्मूथ पर रखने के बाद जो है ना सबसे लास्ट पे जो आपका होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। अब एक्सट्रीम पे जैसे आ रहा है, ठीक है, तो मैंने एक्सट्रीम पे सिलेक्ट कर दिया। स्मूथ में जो है ना सबसे लास्ट वाला जो सेकंड होगा ना उस पर सिलेक्ट करना है, तो मेरा स्मूथ पे रखा एक्सट्रीम शो हो रहा है तो एक्सट्रीम पर। क्लासिक पे रखना है, कलरफुल जो है ना वो काफी ग्राफिक्स आपके लेता है तो आपने क्लासिक पे रखना है। एंटी अलियासिंग जो है ना वो आपने डिसेबल कर देनी है, उसके बाद ब्राइटनेस जितनी आप रखना चाहिए आपकी अपनी मर्जी, और ऑटो एडजस्ट जो ग्राफिक्स है ना वो आपने अनेबल कर देना है, ये कर देना है ओके, ठीक है। तो अब जो है ना आपका जो है ना सबसे बेस्ट सेटिंग होगी है कि आप जो है ना इन प्रोसेसर पे कैसे जो है ना सबसे अच्छा चलाएंगे। अब आ जाते हैं, ठीक है, ये जो प्रोसेसर है ना इसके साथ अगर लग जाता है कार्ड, ठीक है ना, कार्ड पे तो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसके बाद आप जाते हैं जी, मैं एक सेकंड बताता हूँ, i5 7th Gen 2 i5 10th Gen, ठीक है, अगर आपके पास ये प्रोसेसर होते हैं i7 7th Gen 2 i7 10th Gen, तो आप जो है ना इस पर जो बेस्ट सेटिंग कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा जो है ना इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आप जो है ना सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जो है सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके इंजन पे ये इसी तरह सिलेक्ट होगा, ये ऑटो पे ही होगा, ये इसी तरह ही होगा, इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। गेम में जाके ना 720 की जगह जो है ना स्मूथ की जगह जो है ना आपने बैलेंस कर देना, 720 स्मूथ की जगह बैलेंस कर देना, ये आपने कर देना है सेव। उसके बाद गेम रिस्टार्ट करने है, रिस्टार्ट करने के बाद दोबारा जब आप आएंगे तो आपने सेटिंग पर जाना है, सेटिंग पे जाके जो है ना नीचे आप जाएंगे, ठीक है, ग्राफिक्स पे, ग्राफिक्स पे स्मूथ पे जो है ना आपका एक्सट्रीम जो है ना वो कन्फर्म आ चुका होगा, स्मूथ पर एक्सट्रीम, बैलेंस पर भी एक्सट्रीम आ रहा है, HD पे भी, HDR पर भी मेरा जो है ना वो एक्सट्रीम आता है लेकिन अभी नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप अगर जाते हैं बैलेंस पे या HD पे तो एक्सट्रीम पे में भी आपकी सेटिंग चल जाए, लेकिन जो है ना वो PC का लैग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, HD और बैलेंस पे जो है ना PC का लैग बहुत ज्यादा होता है, तो आपने स्मूथ पर रख के सबसे हाई जो सेटिंग होगी ना यहाँ पर वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। अब गाइस मैं बताता हूँ यार इन चीजों का मतलब क्या है। एक्सट्रीम का मतलब है कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है ना वो 60 फ्रेम सेकंड जो है ना वो ये करता है, ठीक है, मतलब सपोर्ट करता है। मैं आपको चेक करके बताता हूँ, ये देखो गाइस, ये मैंने अब ओके किया, एक्सट्रीम पे किया, ठीक है, अब आप चेक कर सकते, ये देखो FPS मैंने किया शो, FPS मेरे कितने FPS आ रहे हैं, तकरीबन 60 के साथ आ रहे हैं। अल्ट्रा जो है ना ये 40 फ्रेम पर सेकंड है, अल्ट्रा पे अगर आपका PC सपोर्ट करता है, एक्सट्रीम की ऑप्शन नहीं आती, तो मतलब 40 फ्रेम पे जो है ना आपका PC कैप हो जाता है, ठीक है। तो आप देख लेंगे, देखें 39 40 39 40, मतलब 40 के अंदर जो फ्रेम होंगे ना वो आपको मिलेंगे। हाई पे करेंगे, हाई जो है ना ये 30 फ्रेम का है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप चेक कर लें, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं यार स्मूथ पे जो है ना ये कम रखना चाहिए, तो ये होता है वो होता है, गाइस स्मूथ पे रख के आप जो मैक्सिमम करेंगे तो आपको 60 फ्रेम मिलेंगे ना, अगर स्मूथ पे आपका एक्सट्रीम का आ रहा है तो, अगर एक्सट्रीम नहीं करेंगे तो आपका जो है ना 30 फ्रेम पर कैप्ट हो जाएगा, तो 30 फ्रेम पर कैप्ट है तो कैसे आपकी गेम अच्छी चलेगी, ठीक है। और मीडियम पे मेरे ख्याल से ये जो है ना 20 सेकंड पे चला जाता है, 20 FPS पे, नहीं 20 नहीं 25 पे, ठीक है। और लो पे जो है ना ये 20 FPS, मतलब ये है कि अगर स्मूथ पे आकर आपको एक्सट्रीम अगर आता है तो एक्सट्रीम 60 फ्रेम है, 60 फ्रेम के अंदर अंदर आपको देगा, अल्ट्रा जो है वो 40 फ्रेम है, हाई जो है वो 30 फ्रेम है, मीडियम जो है वो 25 है, और लो जो है ना वो 20 फ्रेम है, ठीक है गाइस। तो ये चक्कर है, तो आपने मैक्सिमम जो है ना उस पे रखना है ताकि आपको ज्यादा फ्रेम मिल सके, और आपके जो है ना PC, मतलब अगर आपका कार्ड सपोर्ट करता है आपका PC, तो आप क्यों जो है ना वो कम पर रखें। तो ये जो है ना ये आपने स्मूथ पे रख के बाकी जो है हाई सेटिंग है वो कर देनी है, तो आपका जो है ना मैं कहता हूँ बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा, इसके अलावा गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो है ना चैनल पर गिव अवेज भी चल रहे हैं, ठीक है ना, तो आप जो है ना गिव अवेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है।
गिव अवेज में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करना है सब्सक्राइब हमें, ठीक है। जितने ज़्यादा फ्रेंड्स से गुजारिश है कि यार आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है गाइज, इसके नीचे जो है ना अपने करेक्टर आईडी जो है ना पबजी की वो आपने लिख देनी है। तो आगे जो है ना 1K पे जो है ना रॉयल पास का गिव अवे भी है, तो जो लकी रहा तो उसको जो है ना हम गिव अवे कर देंगे, ठीक है। आगे वैसे भी न्यू रॉयल पास आ रहा है तो ये है कि ठीक है विनर को जो है ना हम दे देंगे। बाकी आप हमारे चैनल पे रेगुलर आएं, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है ना चैट वाले गिव अवे भी होते हैं, ठीक है। चैट वाले गिव अवे इस तरह होते हैं कि यार हमने जो है ना स्पैम करना होता है, ठीक है। फर्स्ट करो हमने यहाँ पर स्पैम करने के लिए बोला है जी, मैं एक सेकंड बताता हूँ, हैशटैग और यूसी लिखा है, ठीक है। तो आपने चैट में जो है ना हैशटैग यूसी लिखना शुरू कर देना, तो हम स्टॉप पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना 2 मिनट का टाइम देते हैं, उसके बाद जो है ना हम रोलेट करते हैं जिसका नाम आएगा, जिसने सही से स्पैम किया होगा और जिसने जो है ना सही सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है। तो उसका जो है ना उसमें से कोई एक खुश नसीब होगा जिसको जो है ना वो जीत सकता है चैट वाला गिव अवे, उसको हम देते हैं 63 UC, ठीक है। जो चैट वाला गिव अवे है ना ये चेक कर सकते हैं, वो है 63 UC का। उसके बाद आ जाता है पॉइंट्स वाले गिव अवे। पॉइंट्स वाले गिव अवे के लिए आपने क्या करना है, पॉइंट्स वाले गिव अवे के अंदर जो है ना आप रेगुलर हमारी स्ट्रीम पर आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा हमारी स्ट्रीम जो है ना शुरू से लेकर एंड तक एंजॉय करेंगे और लाइक कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब होना लाजमी है। तो उसमें क्या करेंगे, 5 दिनों बाद हम 5 दिन बाद जो है ना पॉइंट चेक करते हैं, जिसके पॉइंट जो है ना सबसे ज्यादा होते हैं 5 दिन बाद। मतलब आप चैट वाले गिव अवे में आपकी कभी किस्मत नहीं लगती, तो आप जो है ना पॉइंट्स वाले गिव अवे में कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है ना अपने पॉइंट देखने के लिए एक्सप्लेनेशन और पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको जो है ना अपना पॉइंट शो हो जाएंगे, कमेंट में लाइव स्ट्रीम में लिखेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। उसकी ये 3 कमांड है, ये देखने टॉप है, टॉप मतलब टॉप 10 में कौन से आ रहे हैं, तो टॉप 3 जो बंदे होते हैं ना 5 दिन के बाद, तो उसको हम जो है ना 63 UC दे देते हैं, और उसके बाद जो है ना हम रीसेट कर देते हैं पॉइंट्स। तो हर 5 डे बाद जो है ना वो पॉइंट्स वाले गिव अवे होते हैं। उसके अलावा मैचेस वाले गिव अवे होते हैं, ठीक है। रूम मैचेस होते हैं, हमारे पास एडवांस रूम होते हैं, वो हम कराते हैं। तो एडवांस रूम में जो है ना 10 किल ये आप चेक कर सकते हैं, 10 किल प्लस चिकन डिनर जो करता है ना उसको हम 63 UC देते हैं, ठीक है। और 15 किल प्लस चिकन डिनर जो करता है ना, उसको हम देते हैं 340 UC, ठीक है गाइज। ये आप चेक कर लें, 10 किल प्लस चिकन डिनर जो करता है उसको हम देते हैं 63 UC, जो 15 किल प्लस चिकन डिनर करता है उसको मिलते हैं 340 UC। तो ये हमारा रूल है। बाकी जो है ना ये 340 UC वाले मैंने कहा था 500 सब्सक्राइबर के बाद, तो 2 मैचेस करवाऊंगा, मतलब 2 ऐसे खुश नसीब होंगे जो 340 UC जीत सकते हैं, ठीक है। लेकिन 15 किल प्लस चिकन डिनर पे, बाकी हम जो है ना काफी फन करते हैं, ठीक है। हम जो है ना एडवांस रूम में पेन ओनली भी करवाते हैं, ठीक है, पिस्टल ओनली भी करवाते हैं, स्नैपर ओनली भी करवाते हैं, ठीक है, और उसके अलावा शॉटगन ओनली भी करवाते हैं, और उसके अलावा TDM के भी रूम मैचेस होते हैं। तो गाइस ये जो है ना फन यहाँ पर होते हैं। उसके बाद हम अपने सब्सक्राइबर के साथ भी जो है ना मैचेस खेलते हैं, ठीक है। सिंपल जो क्लासिक मैचेस होते हैं वो हम अपने सब्सक्राइबर के साथ भी खेलते हैं, टीम कोड जनरेट कर देते हैं तो आकर कोई भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन गाइस इन मैचों में सबसे जो बड़ी एक बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हैकर नॉट अलाउड। अगर आप हैकर हैं या हैक करके गेम खेल रहे हैं तो यार हैकर जो है ना वो हम रूम में नहीं रखते, क्योंकि यार वो अपनी गेम तो होते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, तो बाकी लोगों के भी जो है ना वो गेम वो ख़राब करते हैं, ठीक है ना। तो हैकर जो है ना वो हम नहीं रखते, क्योंकि रूम का माहौल हम ख़राब नहीं करते। तो बाकी जो है ना हर बंदा इसमें जो है ना अप्लाई कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो आप चैट गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चैट गिव अवे में अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो आप पॉइंट्स वाले में पार्टिसिपेट कर सकते हो, पॉइंट्स वाले में नहीं है तो आप यूसी मैच में जो है ना पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आगे जो है ना यूसी के लोगों को ज़रूरत भी है, ठीक है, क्योंकि आगे जो है ना सीजन 14 आ रहा है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट जो है ना सीजन 14 आ रहा है, तो गाइज रेडी हो जाओ कि यार ये गिव अवे जो है ना ये किसको मिलता है, ठीक है, और आगे आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो अभी जो है ना काफ़ी लोगों को हम गिव अवे कर चुके हैं, आप जो है ना हमारी चैट पर आकर लोगों को पूछ सकते हो, आपको वो बता देंगे कि यार हमें 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 गिव अवे हो चुके हैं, ठीक है ना।
तो ये चक्कर है। गाइस आ जाओ ठीक है ना, जल्दी से यार लाइक सब्सक्राइब कर दो ताकि जो है ना आप भी पार्टिसिपेट कर सको। थैंक यू सो मच यार, ठीक है ना। तो गपशप फिर लगाते हैं स्ट्रीम पर, तो गाइस जल्दी से आओ और ज्वाइन करो यार, सब्सक्राइब करो। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना यार, जस्ट सब्सक्राइब करना है यार, फ्री का सब्सक्राइब है और आप कर सकते हैं और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूसी गिवअवे में भी। और अगर आप मैचेस एंजॉय करना चाहते हैं तो यार मैचेस भी खेल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एडवांस रूम होते हैं। सिंपल लोग जो है ना, ज़्यादातर लोग जो है ना जो रूम करवाते हैं वो सिंपल रूम मैचेस करवाते हैं, लेकिन हम जो है ना एडवांस रूम मैचेस कराते हैं। तो अपनी मर्जी से रूम की सेटिंग करते हैं, जो आप लोग बताते हो गाइज वही सेटिंग होती है। तो बस यही था यार, ठीक है ना। तो थैंक यू यार इतना कुछ सुनने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। बाकी किसी को कोई भी इशू हो ना कि यार मेरे पास इस पीसी की स्पेक्स है तो मैं बेस्ट सेटिंग क्या होगी, तो वो जो है ना मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर सकता है या व्हाट्सएप पे। तो मैं डिस्कॉर्ड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जो है ना व्हाट्सएप का भी। तो गाइज ये थी बस बातें आज, तो गाइज जल्दी से ज्वाइन करो और सब्सक्राइब करो यार, ठीक है ना, ताकि आपको काफ़ी मौज मस्ती यहाँ पर मिले और यूसी के भी जो है ना आप पार्टिसिपेट कर सको। तो आज के लिए इतना था गाइस, ठीक है ना। लव यू यार मेरी जान, सब भाइयों को हम लव यू कहते हैं यार, ठीक है ना। तो वेलकम करते हैं यार हम, ठीक है, जो भाई भी हमें ज्वाइन करते हैं हम उनको वेलकम करते हैं। ज्वाइन जस्ट इसी तरीके करना है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करना यार। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। Girl about a 10, I should fuck her in the best.